के हो लौंडा तोरे बाप हो लौंडा ना गुंडा कर दी मैं तोहनी के बाप। आज मैं एक भोजपुरी ऑफिशियल तेरा रिएक्शन करने जा रहा हूँ। मूवी का नाम है मुझसे शादी करो कि ये ऋषभ का सब जो गोलू है ना भोजपुरी का उसी का है और इसमें अकंचा दुबे होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसा होने वाला है। मैं भोजपुरी मूवी से मुझे उतना एक्सपेक्ट नहीं है और ये मूवी का लेंथ भी 4 मिनट 40 सेकेंड है तो और एक्सपेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पर हाँ, जो ऋषभ का सब गोलू है ना उस पर मुझे भरोसा है, वो नया स्टार है तो बिना किसी तरीके। ओके मुझसे शादी करोगे? ओके वाह अलग ही चीज है। निर्माता सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? किताब में बा, जैसे पढ़ी ला तैसे नींद आ जाल हमके। किताब में बा दाल में अनपढ़ जाहिल कमान तो पहला लड़का बा। का जी हरदम लड़का के दाखिल कर ले। हमर बाप हमके परेशान कर देले बा भाई साहब। आप से ना हमारी होने वाले हेयर पे हेयर बैंड है लेकिन अब पसंद रहे तो कैसे कर लेती शादी हम तोरा खाते को पड़ी तो ना आई हेयर बैंड है। यही है बिलबिली समथिंग नाम है इसका। भाई ऋषभ कसम है तो गोलू जी वही हीरो लग रहा है। कितना सही लग रहा है। आकाशा दुबे के हो लौंडा तोरे बाप हो लौंडा ना गुंडा कर दी मैं तोहनी के बाप। भोजपुरी के एक्शन इतना ही एक्सपेक्ट था इससे। वैसे हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सेम हियर। वो क्या है कि छोटा सा बैठा था बाजार में मारपीट कर रहा था। अगर मालूम होता पहले से कि वो आपका छोटा भाई है तो समझा बुझा कर छोड़ दिया होता। मेरी गाड़ी में एक महीने में जितना पेट्रोल जलता है ना खुद ने तो भाई। इसकी एडिटिंग कौन किया है भाई? थोड़ा भी इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। ब्लड प्रेशर के गोली खाता नहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे खाती बाकी ये ससुरा बढ़ा देता है। तीसरा सॉन्ग चल रहा है भोजपुरी में देखो। सिर्फ सॉन्ग सॉन्ग कितना सॉन्ग करेगा कचरा किया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा मूवी बनाना चाहिए। देख ये क्या है। जोनो तो तुमसे मिले तुम्हारे ऑफिस गया है। ऑफिस कहाँ गए लो? हट गए लो। सब डायलॉग सुन रहे हो कैसा लग रहा है? कचरा से भी कचरा क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा इंप्रेसिव करो ना भाई। पांचवा नंबर सॉन्ग चल रहा है क्या? कितना सॉन्ग भाई? पांच सॉन्ग हो गया भाई। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। पैसा नहीं कमाओगे ना बेटा तो गर्लफ्रेंड लात मार दो। आई लव यू। राइट ये गुंडे किया सिर्फ हमार। सब में वही होता है। सब मूवी में ऐसा ही होगा। पहले हीरो हीरोइन प्यार नहीं करेगा, हीरो उसके पीछे भागेगा, हीरोइन प्यार करने लगेगा तो घर परिवार उसको धोखा देगा, बीच में एक गुंडा आएगा वो इससे बहुत प्यार करते हैं मतलब लड़की से हीरोइन से, अब ये हीरो को मारेगा
और हीरो को खून खून कर देगा, हीरोइन को लेकर भागेगा, और हीरोइन को लेकर भागेगा तो हीरो पकड़ने आएगा और लास्ट में जाकर बचा कर शादी कर। देखो वाला वही होगा, राइट आ गया। ये एट द एंड लास्ट क्लाइमेक्स का सीन होगा, ये क्लाइमेक्स का फाइट होगा। पूरा मूवी दिखा दिया है ट्रेलर में भाई। नहीं कर रहा पूरा शादी करेगी पूरा मूवी साला, पूरा मूवी दिखा दिया ट्रेलर में। क्या करोगे? देखो मैं बोला था ना कि पूरा मूवी ट्रेलर में दिखा दोगे तो मूवी देखने कौन जाएगा। ऐसे भी ये मूवी आ गया है बहुत दिन पहले है तो मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, सिर्फ सॉन्ग था। पर मैं एक बात बोलूँ, जो ऋषभ कौशव है ना गोलू जी, उनका दीवाना 2 मूवी देखा था, उसमें जो बॉडी के एक स्ट्रक्चर बदल लेता है, मतलब बॉडी दिखा रहा है ना, उससे ये और एक्टिंग मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगता है। और उससे अगर अच्छा मूवी करवाया जाए ना तो बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव मूवी कर सकता है वो। पर अब डायरेक्टर से मिलना चाहिए, मतलब स्टोरी ऐसा होना चाहिए पूरा एकदम कन्वेंसिंग, मतलब होता ना एक, मतलब हिम्मत होना चाहिए कि हाँ एक अच्छा मूवी बनाऊँ, एक मतलब होता ना एक। पर इन लोग एक ही वही प्यार 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 कर रहा है तो क्या करे बताओ। ठीक ही है, अब आप लोग देखना चाहते हो डिसीजन लिंक है, ये सॉन्ग नहीं ये ट्रेलर सॉन्ग ही बोलेंगे, 5 सॉन्ग है तो ये एल्बम बोलो ना इसको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार से मेरे लिए कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।